फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवीएसएस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स और गार्जियन काफ़ी ईगरली वेट कर रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का कि अब क्या होगा, फिलहाल आज तक का अपडेट ये है कि आज जो फाइनल कोई जजमेंट नहीं आया है, नई डेट आ गई है 18th of July की, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे, एक हफ्ते का और टाइम ले लिया गया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट थर्सडे 18 जुलाई को अब फाइनल हियरिंग आ जाएगी। अभी तक की जो पूरी ओवरऑल जर्नी है, इसका अगर हम अपडेट देखते हैं कि क्या अपडेट है, किस तरफ डिसीजन जा रहा है कि रीनीट का एग्जामिनेशन दोबारा से नीट का एग्जामिनेशन होगा या दोबारा से एग्ज़ाम नहीं होगा और काउंसलिंग रिज्यूम हो जाएगी। तो जैसे कि लास्ट जो हियरिंग हुई थी, लास्ट हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ है, लेकिन हमको ये देखना है कि किस एक्सटेंट तक हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान इससे नहीं हुआ है, कि मतलब जिससे ये चीज़ पता चली थी कि पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन कोर्ट भी चाहता है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि दोबारा से पेपर ना हो, इतना बड़ा सा जो एक्टिविटी दोबारा से ना करना पड़े, इतने सारे बच्चों को नुकसान ना होना पड़े। उन्होंने वेडनेसडे तक की जो टाइम दिया था, तो वेडनेसडे तक यानी कि कल तक के जो NTA ने अपना डाटा सबमिट किया है, और सुनने में जो आ रहा है कि CBI ने भी जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, इसमें पेपर लीकेज को तो एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पर नहीं किया गया है। तो जो अभी तक की जो फाइनल जजमेंट है वो तो 18th of July को होपफुली हम लोग के सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक का जो निर्णय है वो अभी पहले एडवांस में कहना तो गलत होगा, लेकिन ये चीज़ है कि हर तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे CBI हो, चाहे NTA हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी नेचर काफ़ी बहुत ठंडे रिमार्क्स है। CGI ने टाइम लिया, दोनों पक्षों की बात सुनी और NTA को भी बोला कि आप जो है अपने डेटा को एनालिसिस करिए और ख़ुद मत करिए, किसी एक्सपर्ट से करा लिए, तो IIT मद्रास ने उनकी हेल्प करी उनके डेटा को एनालिसिस करते हुए। तो ये सब चीज़ जारी है कि वन साइडेड डिसीजन नहीं दे रहा है कोर्ट, और वो चेक करना चाह रहा है कि भाई अगर एग्जामिनेशन में चीटिंग हुई भी है, पेपर लीक हुआ भी है, तो इससे क्या कुछ ही जगह पर बेनिफिट हुआ है कुछ बच्चों को, और उन बच्चों को डिटेक्ट कर लिया गया कि बहुत वास्ट लेवल पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ से रूट होकर जा रहा है कि रीनीट का जो प्रॉबिलिटीज़ है काफ़ी लो दिखाई दे रही है, और इस चीज़ की प्रॉबिलिटी हाई दिखाई दे रही है कि जल्दी से डिसीजन आएगा और जल्दी से जल्दी हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल आज का अपडेट ये है कि जो सारी डिटेल्स कोर्ट के पास पहुंच गई थी, लेकिन कल रात को काफ़ी लेट से पहुंची थी रिपोर्ट्स, और कुछ चीज़ें उसमें भी पेंडिंग रह गई थी, जिसके हिसाब से एडिशनल ग्रांट टाइम मिला है एक हफ्ते का, और 18th of July को होपफुली फाइनल जजमेंट हम लोग के सामने हेयरिंग होगी, और फाइनल जजमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल जजमेंट आ जाए और उसके बाद कोई और नेक्स्ट डेट आगे ना आए। तो ये अभी तक का अपडेट है नीट की जर्नी का, जो कि केस हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।